तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब रुख मध्य प्रदेश का करेंगे, जहां चुनाव का दौर चल रहा है। इसी दौरान किसान नेता शिव कुमार कक्का जी एमपी की यात्रा पर निकले हैं। न्यू स्टेट से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के 52 जिलों में जाकर वो किसानों को जागरूक करने का काम करेंगे। तो 52 जिलों में जाकर किसानों को जागरूक करेंगे, बातचीत करेंगे, उनके बीच पहुंचेंगे, उनकी परेशानियों को समझेंगे, मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, खास बातचीत करते हुए न्यू स्टेट के साथ नजर आए। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस और बीजेपी ने कमर कस ली है, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वर्ग यानी कि किसान, जो हमेशा से मध्य प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु बनकर रहा है, वो क्या सोचता है। आज हमारे साथ जाने माने किसान नेता शिव कुमार शर्मा कक्का जी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि चुनावी माहौल है कक्का जी, और आप भी एक यात्रा पर निकले हुए हैं, एक किसानों से संबंधित यात्रा है, मध्य प्रदेश के तमाम जिलों पर जाएगी। चुनाव भी अब घोषित हो चुका है, क्या स्थिति बन रही है खासकर किसानों के लिए? देखिए, हमारी जो यात्रा है किसान मजदूर बचाओ यात्रा है, ये 52 जिलों में जाएगी और सभी उसमें हमारे पदाधिकारी हैं। संयुक्त मोर्चा के झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा के कार्यकर्ता उसमें हैं, जो 378 दिन दिल्ली आंदोलन में थे। क्या ये चुनावी यात्रा मानी जाए किसान की? नहीं, ये किसानों को अवेयर करना, किस देश के किसी भी संगठन का जो बुनियादी काम है वो ये है कि उनको अवेयर करना, जागृत करना, जन जागरण के माध्यम से उनको प्रशिक्षित करना, ताकि वो अपनी लड़ाई को लड़ सके। ये हम लोग यात्राएं निकालते रहते हैं, इस प्रकार की प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं। चुनाव से हमारा कोई लेन देन नहीं है। देखना होगा कि इस चुनावी परिणाम में किसान का रुख किस तरफ होता है। दुर्गेश कुमार, न्यूज़ 8, जबलपुर। तो मध्य